हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाले हैं बॉलीवुड के 10 सबसे बेहतरीन सिंगर के बारे में जिन्होंने अपने एक गाने के लिए सबसे अधिक रुपए लेते हैं फीस के तौर पर। यानी कि आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2022 में बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे सिंगर कौन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे सिंगर के इस लिस्ट में नंबर 10 पे हैं नित्य मोहन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 10 पे हैं नित्य मोहन। तो बता दूं कि ये बॉलीवुड के काफ़ी बेहतरीन सिंगर है जिन्होंने अपने एक गाने के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए लेती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने अपने एक गाने के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए लेती है। वही इस लिस्ट में नंबर 9 पे है नेहा कक्कड़। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 9 पे है नेहा कक्कड़। तो बता दूं कि नेहा कक्कड़ अपने एक गाने के लिए तकरीबन 8 लाख रुपए लेती है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेहा कक्कड़ अपने एक गाने के लिए तकरीबन 8 लाख रुपए लेती है। वही इस लिस्ट में नंबर 8 पे विशाल ददलानी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 8 पे विशाल ददलानी। तो बता दूं कि विशाल ददलानी बॉलीवुड के काफ़ी बेहतरीन सिंगर है जिन्होंने अपने एक गाने के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने अपने एक गाने के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए लेते हैं। वही नंबर 7 पे सोनू निगम। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 7 पे सोनू निगम। तो बता दूं कि सोनू निगम जी अपने एक गाने के लिए तकरीबन 11 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने एक गाने के लिए सोनू निगम जी 11 लाख रुपए लेते हैं। वही इस लिस्ट का नंबर 6 पे है सुनिधि चौहान। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट का नंबर 6 पे है सुनिधि चौहान। तो बता दूं कि सुनिधि चौहान अपने एक गाने के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए लेती है। जी हाँ फ्रेंड्स, सुनिधि चौहान अपने एक गाने के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए लेती है। वही इस लिस्ट का नंबर 5 पे है मोहित चौहान। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट का नंबर 5 पे है मोहित चौहान। तो बता दो कि मोहित चौहान अपने एक गाने के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मोहित चौहान अपने एक गाने के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए लेते हैं। फिर वही इस लिस्ट में नंबर 4 पे है अरिजीत सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 4 पे है अरिजीत सिंह। तो बता दूं कि अरिजीत सिंह अपने एक गाने के लिए तकरीबन 18 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अरिजीत सिंह अपने एक गाने के लिए तकरीबन 18 लाख रुपए लेते हैं। वही बात करें इस लिस्ट का नंबर 3 की, तो इस लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं मिक्का सिंह। तो बता दूं कि मिक्का सिंह अपने एक गाने के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मिक्का सिंह अपने एक गाने के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए लेते हैं। फिर वही इस लिस्ट का नंबर 2 पे है योयो हनी सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट का नंबर 2 पे है योयो हनी सिंह। तो बता दूं कि हनी सिंह आज एक गाने के लिए तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हनी सिंह अपने एक गाने के लिए तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वही फिर बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे महंगे सिंगर के इस लिस्ट में नंबर 1 की, तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आती है श्रिया घोषाल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आती है श्रिया घोषाल। तो बता दूं कि श्रिया घोषाल अपने एक गाने के लिए तकरीबन 25 लाख रुपए लेती है। जी हाँ फ्रेंड्स, श्रिया घोषाल अपने एक गाने के लिए तकरीबन 25 लाख रुपए लेती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे सिंगर। और पिछले कई वीडियो में हमने बताया कि बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर कौन है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे महंगे एक्टर कौन है, पूरे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर कौन है। अगर ये सब वीडियो का आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।